अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? आज हम सीखेंगे कि कैसे एग्जाम को हम इंस्टॉल करेंगे, उसमें पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉल करेंगे, उसके अलावा माइग्रोटिक की एपीआई को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्राउज़र में, ओपन करेंगे गूगल और इधर लिखेंगे एग्जाम। एग्जाम पे क्लिक करके इंटर करेंगे, इसको हम कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसको नॉर्मल प्रोसीजर से हम इंस्टॉल कर लेंगे और फिर हम एग्जाम को ओपन कर लेंगे। ये देखें, ये नॉर्मल एग्जाम ओपन हो गया। अभी इसमें कुछ सर्वर चल रहे हैं तो मैं नए सिरे से जो है ना वो इंस्टॉल करूंगा। ये है एग्जाम बेसिकली, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो इसमें से आप लेटेस्ट वाला वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिनक्स कर रहे हैं तो ये, ओएस कर रहे हैं तो ये आप इसमें से इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आपने सिंपल इस पे आना है, आपने क्लिक करना है, स्टार्ट कर देना है आपने एक्शन पे और माई एसक्यूएल भी स्टार्ट कर देना है। आपने एक्सप्लोर पे आ जाना है, एक्सप्लोर पे आएंगे उसके बाद आपने करना है ओपन एचडी डॉक। एचडी डॉक ओपन करेंगे, अभी इधर पीएचपी माय मैक्स पीएचपी नेक्स्ट बिलिंग महमूम ये सारे चल रहे हैं, लेकिन हम एक नए सिरे से इंस्टॉल करेंगे। तो आ जाते हैं इस पे और इधर से मैं ओपन करता हूँ PHP मैक्स बिलिंग। इसको मैं रीनेम कर लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी ये PHP बिलिंग मैक्स कंट्रोल, PHP बिलिंग मैक्स, इसको करेंगे कॉपी। को एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, जिधर आपका ये इंस्टॉल है एग्जाम वो ओपन होगा। एचटी डॉक में आपने आना है और इधर आपने उस फोल्डर को पेस्ट कर देना है जो फोल्डर पीएचपी मैक्स बिलिंग का है। इसको मैं करूंगा रीनेम और ये कॉपी कर लूंगा। इसके बाद इसको क्रॉस कर देना है, आपने ओपन करना है अपने क्रोम ब्राउजर पे कर लें, सफारी पे कर लें, किसी भी ब्राउजर के ऊपर आपने लिखना है लोकल होस्ट, इंटर कर देना है। पीएचपी माय एडमिन पे क्लिक करना है, ये आ गया। ये देखें, मुख्तलिफ डेटाबेस मैंने क्रिएट किए हैं। आपने सिंपल आना है, न्यू पे क्लिक करना है और इधर डेटाबेस पे जो सेम जो फोल्डर का नाम माई एसक्यूएल में उधर एच टी डॉक्स में है सेम आपने क्रिएट करना है। क्रिएट हो गया, उसके बाद आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, वो नाम पेस्ट कर देना है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि सेम नेम होना चाहिए। ये देखें, पी एच पी मैक्स बिल आ गया है आपके पास। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये हो जाएगा लोकल होस्ट, डेटाबेस यूजर नेम रूट है और डेटाबेस का जो नेम है जो हमने क्रिएट किया है वो करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इसमें वीएमवेयर में, ये माइक्रोटिक है, माइक्रोटिक को पावर ऑन कर दिया है और जब तक ये होता है मैं माइक्रोटिक को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ।
मैं विन बॉक्स ओपन करता हूँ, नेबर्स में आ जाता हूँ। ये देखें माइक्रोटिक जो है मेरे पास आ रहा है। इसका पासवर्ड एडमिन एडमिन है, इंटर कर देना है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा आईपी एड्रेसेस में। इसमें मैंने बेसिकली कोई भी सेटिंग नहीं की, मैं आपको बताता हूँ। एक आईपी डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी क्लाइंट में मैं आया, आईपी डीएचसीपी क्लाइंट, और इधर ये आईपी एड्रेस डायनेमिक पे मैंने जो है ना वो किया हुआ है। मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लूंगा, ये आगे जरूरत पड़ेगा मुझे। कंटिन्यू कर दूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ये हमारा पीएचपी मैक्स बिल जो है इंस्टॉल हो गया है। इधर मैं लिखूंगा एडमिन, पासवर्ड एडमिन, और इसको मैं लूंगा लॉग इन। ये देखें ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है पीएचपी मैक्स बिल। इसको मैं इंग्लिश में कर दूंगा। अभी नेटवर्क में आता हूँ, राउटर्स में आता हूँ, ऐड राउटर करता हूँ। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। इधर माइक्रोटिक का मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, आईपी एड्रेस दे देता हूँ, उसका यूजर नेम है माइक्रोटिक का एडमिन, पासवर्ड है एडमिन। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं देता, डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। ये देखें ये कनेक्टेड हो गया है आपके माइक्रोटिक के साथ। अभी हम चेक करते हैं कि कनेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें यूजर एडमिन लॉग इन फ्रॉम आईपी, इस आईपी से लॉग इन हुआ है वाया एपीआई। तो मैं अपने सिस्टम की आईपी आपको दिखाता हूँ। मेरे सिस्टम की आईपी है 0. ये देखें 192.168.0.103, और इसके ऊपर ये लॉगिन हुआ है और लॉग आउट हो गया। तो मैं दोबारा इस पे आता हूँ और इसको एडिट करता हूँ और एनेबल स्टेटस, और ये लॉगिन हो गया है। ये देखें ये लॉगिन हो गया। अभी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें बिलिंग बना सकते हैं, हम इसमें हॉटस्पॉट के यूजर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ट्रिपल पीओई के यूजर क्रिएट कर सकते हैं, बैंडविड्थ दे सकते हैं, स्टैटिक पैज वाउचर सेटिंग है इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। ये इसका ओवरव्यू है कि इस पे बता रहा है कि डेली का रेवेन्यू कितना आएगा, मंथली रेवेन्यू कितना आ रहा है, एक्टिव मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर कितने हैं। इसके अलावा ये हमारा माइक्रोटिक की डिटेल आ गई है, कॉन्टैक्ट कोई भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट डाल सकते हैं। बिलिंग में सबसे पहले आ जाएगा बिलिंग के प्रीपेड बिल रिन्यू है, क्या चीज है, मैनेज वाउचर है, अकाउंट रिफिल है, न्यू अकाउंट है। सर्विसेज में आ जाएंगे, सर्विसेज में पैकेट हॉटस्पॉट है, पैकेट पीओई है, पावर ओवर इथरनेट कनेक्शन है, बैंडविड्थ है, रिपोर्ट्स हैं के डेली रिपोर्ट्स क्या है, दूसरी रिपोर्ट्स क्या है। नेटवर्क में हमारे आईपी पूल्स आ जाएंगे, अगर हम आईपी पूल क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लस करेंगे। मेरा नाम अकीब है तो मैं उसी पे कर देता हूँ। मैं इसको करता हूँ 172.17.1.1/16। माइक्रोटिक अगर डिफरेंट लगे हुए हैं तो आपने डिफरेंट, ये देखें ये इसमें एक पूल क्रिएट हो गया। ये वाउचर है, वाउचर टेम्पलेट्स आप लगा सकते हैं,
बैकअप इसका ले सकते हैं, पेमेंट गेटवे अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये है माइक्रोटिक हमारा, इस पे आईपी पूल्स में आते हैं। तो ये देखें मेरे नाम का पूल जो है क्रिएट हो गया, तो मैं इसको करता हूँ रिमूव और मैं दोबारा जाता हूँ इसमें और नेटवर्क में आता हूँ, आईपी पूल क्रिएट करता हूँ। और मैं चेक करता हूँ, ये देखें इस पे मैं करता हूँ यही आईपी पूल और इसका आईपी पूल ही नाम रख देता हूँ। अभी ये देख लें आप, इसमें कुछ कोई पूल नहीं है। और सेव करूँगा और मैं इधर आऊँगा तो ये पूल क्रिएट हो गया। तो बेसिकली आपने क्या सेटिंग करनी है, आईपी में आएंगे, सर्विसेज में आएंगे, आपने एपीआई जो है एनेबल आपकी होनी चाहिए, तो फिर ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने माइक्रोटिक को रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं लोकल होस्ट के जरिए। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।